इसमें आयरनी ये है कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि आई कांट कंज्यूम डार्क क्रिमिनल हॉरर टाइप ऑफ स्टफ, और उसके नीचे लोगों ने कमेंट किया और बाकी वीडियोस के नीचे भी कमेंट किया, ऑल ऑफ द सडन यू ऑल वांट पेट काटा शाह ट्रेलर्स रिएक्शन। हाँ, इट मेक सेंस, जब एक चीज़ एक बंदे को पसंद नहीं होती तो उसने वही तो करना होता है। मतलब अगर ये उल्टा सीधा हुआ ना ट्रेलर, तो आई एम गना कम टू बांग्लादेश एंड फाइंड यू एंड बीट योर एस लिटरली, तुमको फेंटी लगाऊंगी मैं। लेट्स वॉच। মিষ্টির দোকান নিয়ে একটা কথা আছে না? সুন্দর ফার্জিন আসে, কখনো দেখছো? इसमें चंचल चौधरी है और चंचल चौधरी की आई एम अ फैन। तो हम लोग इससे पहले हमने कारागर को देखा है, फिर एक और थी सीरीज़ यार ई हवा, उसमें भी है। तो वो तो बहुत अच्छे एक्टर हैं, एक रीनोन पॉपुलर एक्टर हैं, और ये हॉरर है। इट इज बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल स्टोरीज जो जेनरेशन टू जेनरेशन बताई जाती थी। बांग्लादेश की जो फोक स्टोरीज थी, मिस्टीरियस किस्म की स्टोरीज थी, उनको इन लोगों ने मॉडर्न टच दिया, उसको दोबारा से बताया है अपने नए ज़माने के तौर पे। इसकी IMDb बहुत अच्छी है, इसमें एक्टर्स बहुत अच्छे कास्ट किए हैं और इसके रिव्यूज आर सॉलिड, आर बॉम्ब। लेट्स कंटिन्यू। বাংলা ভূতের গল্পের মধ্যে তুমি যেমন সায়েন্স ঢুকাইলা, রিয়েলি স্মার্ট। আর যে সায়েন্স আমরা এখনো ডিসকভার করতে পারিনি, সবার কাছে কি মনে হবে? সুপারন্যাচারাল, জিন ভূত পুরি, রাইট? আর এটার ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ আবার কি? মজাক কর রহে হো মেরে সাথ? মা ছোটবেলায় এসবের গল্প বলত, ফল কিনলে মাছি আসে আর মাছ কিনলে। ক্যা কর রহে হ্যায় ইয়ে মাছলি কে সাথ? ইন্টারেস্টিং, কিউরিয়াস টু নো। আই ডোন্ট নো ইফ ইউ গাইজ আর গোয়িং টু লাইক দিস ফরম্যাট, মগর আই এম হোপিং কে ইয়ে ফরম্যাট মুঝে কপিরাইট क्लेम से बचा लेगा। मे भी नहीं बचाएगा, और मे भी तुमको गुस्सा आ रहा है मुझ पे कि भाई तुम आराम से ट्रेलर दिखाओ, बट नहीं, आई एम गना बॉदर यू विद माय फेस। রাইতের বেলায় চুল খুললে কোথাও যাইতে হয় না বাবা। The fuck, why I'm doing this? Why you guys are making me do this? बस सजेशन खत्म, तुम लोगों का खत्म पार्ट, अभी मुझे सजेस्ट मत करना कुछ। द हेल इज गोइंग ऑन? I don't like this stuff. I am embarrassed. I'm sweating. I am sweating. Freaking sweating. Can't believe this. Okay.
व्हाट द हेल, आई एम नेवर एवर गोना वॉच दिस सीरीज। अगर मुझे कोई पैसे देना मैं नहीं देखूंगी। डिपेंड्स ऑन द मनी, नो नो जोक्स। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही इट्स हॉरर, इट्स एक्सट्रीमली, आई डोंट नो। अब मैं इसको दोबारा से देखूंगी 2-3 बार और हिंदी वर्जन फाइंड करूंगी और फिर तुम तक आती हूँ और देख थोड़ा सैनिटी मुझ में आ जाए। अभी मैंने फ्रेश देखा है सामने ही तुम्हारे, तो फिर हम डिस्कस करते हैं कि क्या है। मैं उसको 2-3 बार देखने के बाद आ रही हूँ। इट इज़ रिटन एंड डायरेक्टेड बाय नुहाश हमायूं। इट्स अ हॉरर सीरीज़, 4 एपिसोड हैं इसकी, बंगाली हॉरर सीरीज़ है ये, और चंचल चौधरी हैं इसमें। जिन लोगों को हॉरर जॉनरा पसंद है उनके लिए ये एक ट्रीट है। इट लुक्स अमेजिंग अगर हम उसी जॉनरा में इसको चेक करें। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स में ये भी कहा था कि इट्स अ माइलस्टोन पूरे एरिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट सीरीज़ है अपने ही जॉनरा में, मिस्ट्री में, मिस्ट्री में, हॉरर में। इट्स अमेजिंग, इट लुक्स लेजेट। बहुत ही डार्क किस्म का सिनेमाटोग्राफी है, कलर पैलेट है पर्पल, ब्लैक, ब्राउन, और बैकग्राउंड स्कोर इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा साउंड आ रहा है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग लग रही है, बहुत लेजेट लग रही है। देख के लग रहा है कि मज़े की होने वाली है। इट्स फन, इट्स एक्साइटिंग, इट्स क्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसफुल है। हॉरर जॉनरा में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब भी आप जो भी जिन दिखाना चाह रहे हो, चुड़ैल दिखाना चाह रहे हो, ईटी किस्म की चीज़ दिखाना चाह रहे हो, एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल, तो उसको बोंगी आप नहीं मार सकते। उसमें आप कोई फ्लॉ नहीं दिखा सकते कि लोग डरे ही ना, या लोग कहें ये क्या यार तुम हमें पागल बना रहे हो। बहुत ही ट्रिकी किस्म का जॉनरा है ये, हर किसी का काम नहीं है। आप बाकी सब दिखा लेते हो मगर हॉरर में यू हैव टू बी स्किल्ड टू प्रोड्यूस अ हॉरर स्टोरी। तो देख के बहुत अच्छी लग रही है, सस्पेंसफुल लग रही है और इट इंट्रीग्स। तो वो वहाँ पे मैं उसको 9 out of 10 दूंगी कि आपका दिल चाह रहा है कि ओ लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन। क्यूरियोसिटी हो रही है, इंटेंस सीरीज है, बहुत ही सस्पेंसफुल है, तो इट्स अमेजिंग, इट लुक्स अमेजिंग। और आई एम ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद बांग्लादेशी कॉन्टेंट, और मुझे हॉरर दोबारा सजेस्ट ना करना। आई लाइक डेट, आई एंजॉय डेट। तुम लोग मुझे अगर 4 episodes में से 1 episode सजेस्ट करो तो आई माइट वॉच इट, या आई एम गोना वॉच इट। मगर अच्छी सजेस्ट करना और चुड़ैल वाली मत करना। तुम्हारी फेवरेट कौन सी है? यस लेट्स गो विद दैट। अगर तुम्हारी कोई फेवरेट एपिसोड है और तुमने देखी है तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ जिस एपिसोड को सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे आई एम गोना वॉच इट। या अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, अच्छी सी चीज़ें देखो, और या दैट इज़ इट। मुझे गले में कुछ, और या दैट इज़ इट फ्रॉम माई साइड। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वन। अच्छे से रहो, अच्छे से खाओ, स्प्रेड लव एंड पीस, और या Yeah, that is it. Love you all. Bye.